जय हिंद बच्चों, कैडेट्स स्पेशल कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या, जो यूरोपियन कंपनीज थी जो भारत में आई थी, वो कौन कौन सी कंपनीज थी, किस वर्ष में वो भारत में आई थी। कई बार आपसे या तो डायरेक्टली कंपनी का नाम पूछ लेता है कि ये कब आई थी, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, और नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है तो वो क्या करता है, 3 से 4 कंपनियों के नाम दे देगा और बोलेगा इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। क्रोनोलॉजिकल में मतलब पहले कौन सी कंपनी बनी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी। तो बनने के आधार पर या फिर इंडिया में आने के आधार पर आपसे जो कंपनियों के नाम जो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियां, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये कैसे कब बनी थी और ये भारत में कब आई थी, इनको हम जो जानेंगे एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से, ताकि हम क्या है इनको कभी ना भूलें और अपने एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसे गलत ना हो वो हमारा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या देखेंगे हम, जो यूरोपियन कंपनियां थी वो जो ईस्टर्न वर्ल्ड में जो आई थी, तो उनकी स्थापना कब हुई थी और कब वो आई थी। देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या ट्रिक याद रखनी है, एक छोटी सी लाइन है ये आप लोगों को याद रखनी है, क्या ये अंडा से रिलेटेड, बेटे ने अंडा खाया डैड फंस गया, पुत्र ने अंडा खाया डैड फंस गया। अब हम यहाँ से कैसे याद रख सकते हैं, देखिए पुत्र से क्या, कौन सी कंपनी बनती है आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, कौन सी, पुर्तगाली, पुत्र से बनी पुर्तगाली। कब बनी थी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1498 में। आपने देखा होगा जब वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा ने भारत के लिए सी रूट की, समुद्री मार्ग की खोज की थी ना, तो वही पहली यूरोपियन कंपनी थी, क्या थी, पहली यूरोपियन कंपनी थी जो भारत में आई थी। तो पुत्र से बना पुर्तगाली, पुत्र ने, देखिए यहाँ पर ने यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, बाकी अंडा खाया, अंडा से क्या बनेगा, देखो अ से बना अंग्रेज, बिल्कुल समझ सकते हो ना आप, अ से बना अंग्रेज और डा से बना डच, डा से बना डच, पुत्र ने अंडा खाया। यहाँ पर 2 वर्ड आपको साइलेंट करने, ने और खाया, सिर्फ यही, बाकी देखिए डैड, डैड से क्या बनेगा, डैड से बनी डेनिश, डैड से बनी डेनिश। फंसा, पुत्र ने अंडा खाया डैड फंस गया, फस से क्या बनेगी, फ से बनेगी फ्रांसीसी, और स से क्या बनेगी, स से बनेगी स्वीडिश, फ से बनेगी फ्रांसीसी, स से बनेगी स्वीडिश। अब इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, देखिए जरा, पुर्तगाली का कब हुआ था, 1498 में, अंग्रेज का कब हुआ था, 1600 में, डच कंपनी कब बनी थी, 1602 में, डेनिश बनी थी 1616 में, फ्रांसीसी बनी थी 1664 में, और स्वीडिश बनी थी 1731 में। कोई भी पूछ ले आपसे बनने के आधार पर फॉर्मेशन क्या होगा, ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, कि अगर आपसे पूछे कि ईस्टर्न दुनिया में आने वाली कंपनियां क्या है, आधार पर लगाइए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो रहेगा यही ऑर्डर, यहाँ पर अंग्रेज पहले आए थे। लेकिन अगर इंडिया की बात कर दे, तो इंडिया में याद रखना एक छोटा सा पॉइंट, इंडिया में अंग्रेज आए थे 1608 में, वो ईस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे कि आप इंडोनेशिया वगैरह की तरफ बात करोगे तो 1600 में ही आ गए थे अंग्रेज, लेकिन जो भारत में आए थे, भारत में कब आए थे, 1608 में। अगर फॉर्मेशन के आधार पर पूछे तो यही ऑर्डर रहेगा, लेकिन भारत में आने के आधार पर पूछे तो क्या होगा, अंग्रेज तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, डच दूसरे पर आ जाएंगे आने के आधार पर, क्योंकि भारत में अंग्रेज कब आए थे, 1608 में आए थे। तो ये रहा फॉर्मेशन का आधार, और यहाँ से आप जो है भारत में आने के आधार पर कर सकते हो, इसमें 1608 है इसलिए ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हो, और बनने के आधार पर लगा सकते हो, आने के आधार पर लगा सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में, ठोक के करके आना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपने सारी कंपनियां जो है देख ली हैं। तो चलिए इसी के साथ यहीं तक रखते हैं।